मूवी के स्टार्ट में हम मूवी के मेन करेक्टर जाते सिख के बारे में जानते हैं। जाते सिख एक बहुत ही इनोसेंट आदमी है जिसकी एक शॉप है और उसमें वो लोगों के सेकंड हैंड सामान के साथ डीलिंग करता है। जाते सिख को किसी के काम में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन उसकी एक नेबर सोमी जो की एक बहुत छोटी बच्ची है वो जाते सिख को अपना दोस्त मानती है। और जैसा मैंने आपको बताया कि जाते सिख को किसी में भी इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन वो फिर भी सोमी को एक दोस्त की तरह पसंद करता है। मूवी में सोमी की मदर भी होती है जिसे हम ऐसा डांसर देखते हैं। वो डांसर होने के साथ साथ ड्रग्स का भी यूज करती है और इसीलिए वो क्लब से एक बड़ा ड्रग्स का पैकेट चुरा लेती है और घर आ जाती है। घर आकर सोमी की माँ उस ड्रग के पैक को एक कैमरा बैग में रख देती है और वो जाते सिख को दे देती है ताकि वो ड्रग्स उसमें सेफ रह सके। वो ड्रग का पैक एक बहुत बड़े ड्रग माफिया का होता है और जैसे ही उस ड्रग माफिया को पता चलता है कि उसका पैक चोरी हो गया है तो वो दो भाइयों को उस चोर को पकड़ने का काम देता है जो उस माफिया के राइट हैंड होते हैं। यहाँ पर उनमें से एक भाई को पता चल जाता है कि एक डांसर ने उनके ड्रग का पैक चुराया है। मूवी के सीन यहाँ से सोमी की तरफ शिफ्ट होते हैं जहाँ पर उसकी मदर ड्रग लेकर उसको रूम से बाहर निकाल देती हैं। सोमी यहाँ पर बहुत रोती है और वो अपने नेबर जाते सिख से हेल्प मांगती है और जाते सिख उसे सोने के लिए जगह भी दे देता है। जाते सिख से कहती है, क्या तुम्हें पता है कि लोग तुम्हें क्या कहते हैं? एक सोम घोस्ट, क्योंकि तुम बहुत डरावने हो। इस बात का जाते सिख उसे कोई जवाब नहीं देता और सोने का कहकर वहाँ से चला जाता है। मूवी में यहाँ पर सीन सोमी की मदर की तरफ जाते हैं जहाँ पे उसका बॉयफ्रेंड उसे ये समझा रहा होता है कि तुम उस ड्रग का पैकेट वापस कर दो कि वो एक ड्रग माफिया का है और वो वार्न करता है कि अगर तुमने वो वापस ना किया तो वो लोग तुम्हें जान से मार देंगे। उसके बॉयफ्रेंड के काफी समझाने के बाद भी वो नहीं मानती। अगली सुबह होती है और हम जाते सिख को देखते हैं जिसके मेल पर सोमी एक एंग्री इमोजी बनाकर जाती है और उसके लिए एक लेटर भी छोड़ कर जाती है। उन चीजों को देखकर जाते सिख के मुंह पर मुस्कुराहट आ जाती है। दिन जाते सिख सोमी के स्कूल के बाहर से गुजर रहा होता है। वहाँ पर वो देखता है कि एक लेडी सोमी को बहुत बुरी तरह से मार रही है और वहाँ पर पुलिस ऑफिसर्स भी मौजूद है। पुलिस के इन्वेस्टिगेट करने पर वो लेडी बताती है कि सोमी उसके बेटे का बैग चुरा रही थी। इसके जवाब में सोमी कहती है कि मैं चुरा नहीं रही थी, मैं तो बस उसका बैग अपने बैग से कंपेयर कर रही थी। और यहाँ पर अब पुलिस सोमी से उसके पेरेंट्स के बारे में पूछती है और सोमी दूर खड़े जाते सिख की तरफ इशारा कर देती है जिससे उनको लगता है कि जाते सिख उसका फादर है। इस जाते सिख का पीछा करती है लेकिन वो वहाँ से कुछ भी कहे बगैर निकल जाता है। और जब शाम होती है और सोमी जाते सिख से मिलने आती है तो जाते सिख उसे डांट देता है। वो उसे कहता है, क्या तुम पागल हो? तुमने उस वक्त मेरी तरफ इशारा क्यों किया? वहाँ पर सोमी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और वो कहती है कि सब मुझे पागल कहते हैं, सब मेरे से नफरत करते हैं और मैं भी सबसे नफरत करती हूँ। सिर्फ तुम ही मेरे दोस्त हो और क्या तुम ये चाहते हो कि मैं तुमसे भी नफरत करने लगूं? ये सब कहकर सोमी वहाँ से चली जाती है। सबके बाद जब सोमी अपने घर पहुँचती है तो कुछ बहुत अजीब लोग उसकी माँ को मार रहे होते हैं। ये उसी ड्रग माफिया के लोग होते हैं जिसका पैकेट सोमी की मदर ने चुराया था और वो सोमी की मदर से उस पैकेट के बारे में पूछने आते हैं। सोमी की मदर उन लोगों को बताती है कि वो ड्रग पैकेट एक कैमरा बैग में है। उसके बाद जोंग सियोक, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि वो ड्रग माफिया का राइट हैंड है, सोमी और उसकी मदर को किडनैप कर लेता है। उसके बाकी लोग जाते सिख के घर पे वो ड्रग पैकेट लेने के लिए चले जाते हैं। वो लोग जाते सिख की शॉप का लॉक तोड़ रहे होते हैं कि वहाँ पर जाते सिख आ जाता है। वहाँ आते ही उनमें से एक आदमी जाते सिख को चाकू दिखाता है। वो आदमी जाते सिख से कहता है कि हमें वो कैमरा बैग चाहिए जो तुम्हारी नेबर ने तुम्हारे पास रखवाया था। और वो आदमी जैसे ही मुंह दूसरी तरफ करता है तो जाते सिख उसका चाकू खींच कर फेंक देता है और इस पर वो आदमी बहुत ज्यादा हैरान और शॉक हो जाता है। वहाँ पर दूसरा आदमी जब जाते सिख पर अटैक करने लगता है तो जाते सिख उसे भी बहुत अच्छा सबक सिखा देता है, पर वो लोग कुछ नहीं संभाल पाते और फिर वो उस ड्रग माफिया के राइट हैंड जोंग सियोक को बुलाते हैं। जोंग सियोक सब कुछ मालूम करने के लिए वहाँ पर एक और आदमी को भेजता है। वो आदमी एक फोन ताजे सिख की तरफ बढ़ाता है जिसमें वो सोमी की आवाज सुनाता है। ताजे सिख जेंग सॉन्ग की धमकी पर वो बैग उन लोगों को दे देता है और अब उन आदमियों में से एक आदमी अपने ही एक साथी को मार देता है क्योंकि वो उसे पसंद नहीं करता। ऐसे में वहाँ पर एक मर्डर हो जाता है जिसका इल्जाम ताजे सिख पर आ सकता था।
इसी के साथ वो फोन भी जिस पर चाहते सिख ने रूपसूमी से बात की थी वो भी वहीं पर होता है। यहाँ पर चाहते सिख को उन लोगों पर शक होने लगता है क्योंकि उन लोगों को ड्रग्स तो मिल गए लेकिन उन्होंने सूमी और उसकी मदर को नहीं छोड़ा। जैसे ही वो उनके पीछे आता है तब तक देर हो चुकी होती है क्योंकि वो लोग उन्हें ले जा चुके होते हैं। यहाँ पर चाहते सिख को कुछ समझ नहीं आता और वो पुलिस को कॉल करता है। पुलिस को सब कुछ बताने के बाद जब पुलिस उससे उसके घर का एड्रेस पूछती है तो वो खामोश हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पर एक मर्डर भी हुआ होता है जिसके लिए चाहते सिख फंस सकता था। इस सब के बाद चाहते सिख को उसी फोन पर एक कॉल आती है। फोन पर उसने सूमी से बात की थी और उस फोन पर उसे जेंग सियोक और मैन सियोक जो कि ड्रग माफिया के राइट हैंड होते हैं उसकी कॉल आती है और वो कहते हैं कि अगर तुम्हें वो दोनों जिंदा चाहिए तो तुम हमारे लिए एक काम करोगे। इसी के साथ साथ वो ये भी बताते हैं कि इस काम की डिटेल तुम्हें इस मोबाइल पर ही मिल जाएगी। उनके कहने के मुताबिक ताजेसिक एक लॉकर से ड्रग का पैकेट लेता है और ड्रग माफिया के हेड को जाकर देता है और उनसे कहता है उम्मी और उसकी माँ को छोड़ दिया जाए। यहाँ पर वो ड्रग माफिया बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उसे नहीं पता होता कि उसके राइट हैंड ने उन लोगों को पकड़ लिया है जिसने उसका पैकेट छुड़ाया था। इसी के साथ उसे उस धोखे का पता चल जाता है जो उसे मैन सियोक और जोंग सियोक दे रहे होते हैं। उनके राइट हैंड ही उसको तबाह कर देते हैं और साथ ही साथ उसे पुलिस में भी पकड़वा देते हैं। यहाँ पर उस ड्रग माफिया का गुस्से से बुरा हाल होता है। वो ताजेसिक को मार मार कर बिल्डिंग से गिरा देता है और उसी के साथ वहाँ पर पुलिस आ जाती है। पुलिस सबको पकड़ भी लेती है पर वो ड्रग माफिया वहाँ से भाग जाता है। ताजेसिक एक कार चुरा कर उस डॉन का पीछा करने लगता है लेकिन जो कार ताजेसिक ने चुराई होती है उस कार की डिग्गी में उम्मी की मदर की डेड बॉडी होती है जिसके सारे ऑर्गन्स वो लोग निकाल चुके होते हैं। वहाँ पर पुलिस आ जाती है और पुलिस को लगता है कि ये सब कुछ ताजेसिक ने किया है और वो ताजेसिक को अरेस्ट कर लेती है। वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर ताजेसिक के बारे में और भी बहुत कुछ जानना होता है लेकिन जैसे ही वो उसकी बायोमेट्रिक फाइल ओपन करता है तो उसके ऊपर उसे लॉक मिलता है। यही पर ताजेसिक सूमी को बचाने की तैयारी कर रहा होता है। एक पुलिस ऑफिसर को कहता है कि मैं लेफ्ट हैंडेड हूँ और मुझे खाना खाने के लिए राइट की नहीं बल्कि लेफ्ट की जरूरत है और जैसे ही पुलिस ऑफिसर उसका लेफ्ट हैंड भी खोलते हैं तो वो खड़ा हो जाता है और सबको मारकर वहाँ से भाग जाता है। बस सीन डॉन की तरफ शिफ्ट होते हैं जिसको उसके अपने ही आदमी मरवा देते हैं। इसके बाद हम दोबारा ताजेसिक को देखते हैं जो उसी फोन से जो कि उसे सुमी से बात करने के लिए दिया गया था उस सुमी के बारे में पता लगवाना चाहता है। जैसे कि उस फोन का पता करने के लिए एक फोन शॉप में जाता है लेकिन वो फोन इलीगल होता है इसलिए वो फोन मैनेजर उसे कुछ भी नहीं बताता। जैसे ही ताजेसिक उसे मारने लगता है वो सारी बातें सच सच बता देता है, उस आदमी की बताई हुई इन्फॉर्मेशन पर अमल करने लगता है। यहाँ पर सीन दोबारा उस पुलिस ऑफिसर की तरफ शिफ्ट होते हैं जैसे कि फाइल अनलॉक करवाता है और उसे तब पता चलता है कि वो एक मिलिट्री ऑफिसर है। कि बाद जाते से मैन सियोक और जोंग सियोक तक पहुँचने में कामयाब हो जाता है। उन्होंने अपने डॉन को मरवा कर सारा काम अब खुद संभाल लिया था जो कि तमाम का तमाम इलीगल था। बिल्डिंग में जाते से को मैन सियोक मिलता है लेकिन क्योंकि जाते से ने कभी मैन सियोक को देखा नहीं होता इसलिए वो नहीं जानता लेकिन मैन सियोक तो उसे पहचानता था और वो अपने भाई यानी जेंग सियोक को कॉल करके कहता है कि तुम होशियार रहो। जैसे ही उसी बिल्डिंग के वॉशरूम में जाता है यहाँ पर खुशकिस्मती से उसे वही लोग मिलते हैं जो उसको पहले दिन कैमरा लेने के लिए मिले थे। वो उस आदमी से सुमी के बारे में पूछता है लेकिन वो कुछ भी नहीं बताता इसीलिए वो गुस्से में उसी के चाकू से उसी का शोल्डर जख्मी कर देता है। इसी के साथ साथ वहाँ पे वो आदमी भी आ जाता है जिसने सुमी से बात करवाई थी। लड़का ताजेसिक से फाइट के बाद उसे एक और फोन देता है और अब यहाँ पर पुलिस भी आ जाती है। पुलिस को देखकर ताजेसिक वहाँ से किसी की कार में भाग जाता है। अब मूवी में हमें दोबारा सूमी को दिखाया जाता है जिसको वो दोनों ड्रग माफिया भाई एक ऐसी औरत को दे देते हैं जो बच्चों से स्मगलिंग का काम लेती है। बच्चों से स्मगलिंग का काम लेने के बाद वो औरत उन बच्चों को दोबारा उन ड्रग माफियाज के पास भेज देती थी जहाँ पर वो ड्रग माफियाज बच्चों की किडनीज निकाल लेते थे फिर बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स निकाल कर बेच देते थे और उन बच्चों को मार देते थे। यहाँ पर हम दोबारा ताजेसिक को देखते हैं जो अपनी बॉडी में लगी हुई गोली को किसी से निकलवा रहा होता है। वो गोली उसे फाइटिंग के दौरान लगी होती है। इसी दौरान हम ताजेसिक के पास्ट के बारे में जानते हैं। ताजेसिक ने पास्ट में अपनी बीवी को खोया था। उस वक्त उसकी जिंदगी में कोई नहीं बचा था लेकिन अब उसकी जिंदगी में कोई आया था जो सुमी थी और वो उसे खोना बिल्कुल भी नहीं चाहता था। सब देखने के बाद हम ताजेसिक को दोबारा और पावरफुल देखते हैं और वो अब सुमी को ढूंढने के लिए दोबारा और पूरा जम हो जाता है।
अजय सिंह अपने सारे बाल काट देता है और किसी से गन लेकर शहर में निकल जाता है। अजय सिंह उन बच्चों का पीछा कर रहा था जो ड्रग सप्लाई कर रहे होते हैं। ये सब उसे एक ऐसी बेसमेंट में पहुंचा देते हैं जहां पे वो दोनों भाई छोटे छोटे बच्चों से ड्रग्स का खतरनाक काम करवा रहे होते हैं। वह आकर अजय सिंह सब बच्चों को बाहर निकालता है और उस जगह को आग लगा देता है जिसमे गैंगस्टर भी मर जाता है। और नेक्स्ट सीन में हम अब सोमी को देखते हैं। सुमी को एक आदमी लेने आया होता है ताकि उसकी बॉडी के ऑर्गन्स निकाल कर बेचे जा सके। लेकिन जैसे ही सुमी ये देखती है कि उस आदमी के सर पर एक चोट है तो वो उसे बैंडेज कर देती है। आदमी को अपनी बुराइयों का एहसास हो जाता है। उसके दिल में सुमी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर आ जाता है। तो वो आदमी सुमी को एक वैन में बिठाकर उसी सर्जन के पास ले जाता है जो सर्जन बच्चों की आंखें निकालता है। यहाँ पर सर्जन उस बच्ची की आंखें निकाल देता है और उस आदमी को दे देता है और फिर वो आदमी की आंखें जाकर मैंग सोंग यानी अपने बॉस को दे देता है। इस दौरान हम वहाँ पर चाहते सिख को देखते हैं और जैसे ही चाहते सिख मैंग सोंग से सुमी के बारे में पूछता है तो वो सुमी की निकाली हुई आंखें उसके आगे गिरा देता है और वो कहता है ये जो तुम्हारी सुमी। वहाँ पर चाहते सिख दुख और गुस्से में वहाँ पर मौजूद सब लोगों को मार देता है लेकिन मैंग सोंग वहाँ से भाग जाता है। वो अपनी कोशिश में कामयाब होने ही वाला था कि उसे ताचे सिख पकड़ लेता है। मैनसोंग अपनी गाड़ी को लॉक करके जोर जोर से हंसने लगता है क्योंकि उसकी गाड़ी बुलेट प्रूफ थी। इन ताचे सिख उसकी हंसी को हैरानी में बदलने में वक्त नहीं लगाता। बहुत शार्प होता है और गाड़ी के मिरर को एक ही जगह से शूट करता रहता है पर आखिरकार गाड़ी के मिरर में सुराख हो जाता है और आखिरी गोली मैनसोंग को लग जाती है जिससे मैनसोंग भी मर जाता है। आखिर में जब ताचे सिख अपने आप को ही शूट करने लगता है तो अचानक उसे सुमी की आवाज आती है। आवाज सुनकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। वो जल्दी से आती है और ताजे सिंह के गले से लग जाती है और इतने में वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है जो कि ताजे सिंह को अरेस्ट कर लेती है। लेकिन ताजे सिंह उनसे रिक्वेस्ट करता है कि क्या वो गाड़ी थोड़ी देर के लिए एक स्टेशनरी शॉप में रोक सकते है। वो सोमी को जरूरत का सारा स्टेशनरी का सामान दिलवा देता है और उससे कहता है कि तुम्हें अब सब कुछ अकेले ही हैंडल करना होगा और कुछ अर्सा के लिए मेरा इंतजार भी करना होगा। जिस पर सोमी उसके गले लगकर रोने लग जाती है।